बढ़ते जनाधार से घबराए बसपा प्रत्याशी पर की कार्रवाई। कप्तानगंज 308 विधानसभा के सपा प्रत्याशी जहीर अहमद उर्फ जिम्मी की फॉर्च्यूनर सीज चुनाव प्रचार के दौरान एसडीएम हरैया ने दो वाहन किया सीज गाड़ी से उतारकर। एसडीएम ने वाहन को थाने भेजा है और इस तरह प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई करने से हमारे वोटर और मजबूत होंगे। सपा और भाजपा दोनों मेरे वोटरों को खरीदने का काम कर रहे हैं, लेकिन वोटर हमारे बिकने का काम नहीं करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी और भाजपा प्रत्याशी घबराए हुए हैं और मेरे ऊपर कार्रवाई करवाइए, लेकिन मेरा भी समय आएगा, मैं इसका जवाब दूंगा। आज उनका शासन सकता है, कल मेरा रहेगा। गाड़ी का पास न होने की वजह से एसडीएम ने किया कार्यवाही। बसपा प्रत्याशी ने कहा, मेरा भी वक्त आएगा, गलत किया जा रहा है हमारे साथ, विधानसभा की जनता है, मेरा भी समय आएगा। दूसरे दलों के प्रत्याशी के काफिले पर नहीं हो रही कोई कार्यवाही। कप्तानगंज चौराहे पर बसपा प्रत्याशी को एसडीएम ने किया पैदल। उन्होंने कहा, हमारा भी समय आएगा, जनता मेरे साथ है और चुनाव में जीत रहा हूं। इससे सपा भाजपा घबराई हुई है। कर दी गई सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्र में सब घूम रहे हैं और मैं भी अपने क्षेत्र में घूम रहा था और सब बिना पास के 10-10 गाड़ी लेके घूम रहे हैं। हम दो गाड़ी लेके घूम रहे हैं और हमारी गाड़ी सीज कर दी। क्या की गाड़ी में कुछ ऐसा मिला जो आचार संहिता? चुनाव सामग्री नहीं, वीडियो बना लीजिए, कोई चुनाव सामग्री। फिर आखिर प्रसाद कुछ बरामद हुआ? अगर बरामद हो तो दिखा दें कि ये मिला नहीं। आखिर क्या कहा उन्होंने, आखिर गाड़ी क्यों सीज कर? बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ी का पास नहीं है और सभी लोग घूम रहे हैं, हम ही दूसरी रोका जा रहा है। अच्छा, अन्याय हो रहा है और क्या? बस आएगी सरकार, सबको समझ में आ जाएगा कि भाई दोनों प्रत्याशी घबरा रहे हैं। हाँ, सब प्रत्याशी घबराए हुए हैं, ठीक है, लोग हमारे साथ हैं, कोई बात नहीं। ये कितना प्रशासन रोकेगा हमको, रोक ले। क्या प्रशासन की तानाशाही है? क्या तानाशाही? बिल्कुल है, हमारे साथ आम जनमानस है, सबको जलन हो रही है। किसने सीज की आपकी गाड़ी को? कोई गश्ती अधिकारी रहा होगा? नहीं, एसडीएम साहिबा भी थी और जो यहाँ के आरओ हैं और इंस्पेक्टर हैं सब लोग। कोई बात नहीं, समय आएगा सबका। और इस तरह से जो है हम लोग घबराने वाले नहीं, हम लोग आम जनता में वोट मांगने का काम निरंतर करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, गाँव गाँव जाते रहेंगे। हमारी गाड़ी सीज कर दी जाएगी, कोई बात नहीं, हम पैदल चलना चालू कर देंगे।